वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने नेपाली हम मनसब पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ दो फरीकी शिराकतदारी के मुतादिद शोबों पर करेंगे तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुहायदों पर होंगे दस्तखत। मणिपुर की जमीनी हकीकत और तशद्दुद ज़दा इलाकों में हालात का जायजा लेने के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज इम्फाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह ने रियासत में मामूल की सूरत हाल बहाल करने के लिए हिफाजती इंतजाम का लिया जायजा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जुनूबी अफ्रीका और नामीबिया के 6 रोज़ा दौरे पर आज होंगे रवाना। दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकात करने के साथ साथ केप टाउन में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा और नामीबिया में मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की करेंगे सदारत। अमेरिका में हुकूमत के अखराजात और देनदारियों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन के कर्ज की हद को बढ़ाने से मुतालिक बिल ऐवान में मंजूर। 1 जनवरी 2025 तक कर्ज लेने की हद खत्म। सदर जो बाइडन ने किया खैर मकदम। फ्रेंच ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हंगरी के मार्टन फुचोविच को हराकर अगले दौर में बनाई जगह। वहीं दूसरी तरफ स्पेन के कार्लोस अलग्रास ने जापान के तारो डैनियल को दी शिकस्त। और मेंस डबल्स में भारत के साकेत माईनीती और यूकी भामरी दूसरे दौर में दाखिल। बोपन्ना और एफ डैन हारे और सिवेला ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता यूरोपा लीग का खिताब। फाइनल मुकाबले में रोमा को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से दी करारी शिकस्त। मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया को 9-1 से दी जबरदस्त शिकस्त। फाइनल में पाकिस्तान से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली हम मनसब पुष्प कमल दहल प्रचंड आज बातचीत करेंगे, जिसमें तवानाई, कनेक्टिविटी और तिजारत जैसे शोबों में भारत नेपाल ताबुन को फ़रोग देने पर जोर दिया जाएगा। दोनों ममालिक की तरजीहात वाले अहम शोबों में से एक तवानाई के शोबे में ताबुन को मज़ीद बढ़ाना है। पावर सेक्टर में ताबून के बारे में गुज़िश्ता साल अप्रैल के भारत नेपाल मुश्तरका बयान को एक संग मील समझा जाता है और नेपाल भारत को तकरीबन 450 मेगावाट बिजली बरामद कर रहा है। तवक्को है कि दोनों वज़ीर आज़म भारत नेपाल तरक्याती शराकतदारी का भी जायजा लेंगे, जो दो तरफा ताल्लुकात का एक अहम सतून है। दोनों ममालिक के मालियाती राब्तों को मजबूत बनाने पर भी बातचीत हो सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुहायदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। प्रचंड सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनकड़ से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले बुध को नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात की। प्रचंड जुमे की सुबह इंदौर जाएंगे और अगले दिन काठमांडू वापस लौट जाएंगे। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म प्रचंड ने कल नई दिल्ली में नेपाली सिफारतखाने में एक तकरीब में शिरकत की और उनके साथ भारत के दौरे पर आए एक आला सतही वफ्द भी था। इस मौके पर डीडी न्यूज़ ने नेपाल के वज़ीर ख़ारजा नारायण प्रसाद सऊद से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ नेपाल के विदेश मंत्री मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। सर, बहुत अहम विजिट है और क्या कहेंगे कि बायलैटरल कोऑपरेशन में किन किन विषयों को खास तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी? नेपाल और भारत के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। हमारा द्विपक्षीय जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कई फील्ड में बातचीत कर रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार के संबंध में, कनेक्टिविटी के संबंध में, नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, उसके बारे में भारत को कुछ हमें व्यापारिक रूप से हमारे वस्तु को निर्यात करने के लिए कुछ सहूलियत देना चाहिए। इस मामले में भी बातचीत होगी। हम लोग लॉन्ग टर्म पावर परचेज डील के बारे में भी बात कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट निकला था 2022 में पावर कोऑपरेशन, उस पर क्या बातचीत? हम कह रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म पावर परचेज के बारे में बातचीत होगी। इसमें प्रोडक्शन का साइड भी, विद्युत का जो है प्रोडक्शन का साइड भी है, ट्रांसमिशन का साइड है, ट्रेड का साइड है। इंडिया की ग्रिड को प्रयोग करते हुए हम लोग बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड चाहते हैं। और फाइनेंशियल कोऑपरेशन के क्षेत्र में पिछली बार रुपए कार्ड लॉन्च हुआ था, इस बार कोई पेमेंट गेटवेज या उस पर बातचीत होने की संभावना है? अब देखिए, वो दोनों बैंक जो रिजर्व बैंक और नेपाल का राष्ट्र बैंक है, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में हमारा एमओयू होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मणिपुर की ज़मीनी हकीकत और तशद्दुद से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद आज इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कबल अज़ीं अमित शाह ने हालात को मामूल पर लाने के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने समाज के मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात की और रियासत में अमन की बहाली के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने मणिपुर के 3 सरहदी शहरों में से तीसरे शहर मोरा में कोकियों और दीगर बिरादरियों के एक वफ्द के साथ मीटिंग की। इस दौरान अमन की बहाली से मुतालिक कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कम्युनिटी वफूद ने मणिपुर में हालात को मामूल पर लाने के लिए हुकूमत की तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत का इजहार किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने सीनियर हुकाम के साथ खुद मोरा में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मणिपुर के अपने दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला ने हिफाजती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत दी और मुख्तलिफ समाजी ग्रुपों के साथ मीटिंगें की और उन्हें क़याम अमन की कोशिशों में साथ लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने अफसरान को हिदायत दी है कि अमन में खलल डालने की किसी भी कोशिश से फौरी तौर पर और सख्ती से निपटा जाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कई रिलीफ कैंपों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ने कलंक पोपई में एक रिलीफ कैंप का दौरा किया, उन्होंने लोगों से बातचीत की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने इम्फाल में मैतई रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 ममालिक यानी कि जनूबी अफ्रीका और नामीबिया का दौरा करेंगे। दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में ब्रिक्स वुज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। वो जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा नालेडी पेंडोर के साथ भी 2 फरवरी की मीटिंग करेंगे। डॉक्टर जयशंकर जनूबी अफ्रीका के सदर से भी मुलाकात करेंगे। वो ब्रिक्स वुज़राए ख़ारजा के साथ 2 फरीक़ी मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा केप टाउन में भारतीय तारिकीन वतन के साथ भी बातचीत करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर जयशंकर 4 से 6 जून तक नामीबिया का दौरा करेंगे। ये किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का नामीबिया का पहला दौरा होगा। डॉक्टर जयशंकर नामीबिया के सरकर्दा रहनुमाओं और हुकूमत के दीगर वुज़रा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अपने नामीबिया के हम मनसब निबूतो नानंदी नादेतवा के साथ मुश्तरका कमीशन के इजलास की सदारत करेंगे। वो नामीबिया में भारतीय कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। काबिल जिक्र है कि भारत के किसी वज़ीर ख़ारजा का नामीबिया का ये पहला दौरा होगा। मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में आज से मौसमियाती तब्दीली और आफात के ख़तरे में कमी पायदारी जिंदगी का एक तरीक़े के मौजू पर 2 रोज़ा यूथ 20 कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस आज से मुनक़िद की जाएगी। इसमें 7 ममालिक के 19 मंदोबीन शामिल होंगे जो मुख्तलिफ ग्रुपों में बातचीत में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में कबायली इलाकों के 50 सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शिरकत करेंगे, जिनमें मुल्क भर से 400 से जायद मंदोबीन शामिल होंगे। ये कॉन्फ्रेंस नौजवानों को दरपेश चैलेंजों और उनकी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर खुले मकालमे, प्रेजेंटेशंस और इंटरेक्टिव सेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली अश्वनी चौबे इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में पायदार ज़राअत, इकोटेक मार्केट्स और ज़राई जंगलात के शोबों के मुतादित माहिरीन शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर ममलिकत फग्गन सिंह कलस्ते 2 जून को इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के जंगल में खातून और एक मर्द की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि लाशों को देखकर लगता है कि ये 10 से 15 दिन पुरानी है। इब्तदाई तौर पर वाकया जो है वो खुदकुशी का लगता है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नमूने ले लिए हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। लवेदी के जंगलों में, थाना लवेदी जनपद इटावा में एक काफ़ी बीहड़ में या कह सकते हैं जंगलों में एक लड़का लड़की की डेड बॉडी जो है थोड़ा पुरानी 15-20 दिन पुरानी लग रही है, प्रथम दृष्टया लटकती हुई मिली है और उस पर हमारी एफएसएल की टीम और हमारा डॉग स्क्वाड, हमारा जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम होती है वह पहुंच गई है मौके पर। अतः हमने कानपुर से भी फॉरेंसिक टीम मंगवाई है इसके लिए, चूँकि वो अभी अज्ञात है और उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इसमें विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को अपनी क्लास की पोएम याद करने में मुश्किल आती है, उस उम्र में एक तालिबे इल्म ऐसा भी है जिसे न सिर्फ हमारे मुल्क का बल्कि दुनिया के 100 ममालिक के कौमी तराने दिल से याद हैं, जिनमें से 75% अंग्रेज़ी के अलावा दीगर जबानों में हैं। इसलिए वो हैं जयेश ठोलिया, जो अब तक कई अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। यदि कोई 11 वर्षीय छात्र आपसे कहे कि 195 देशों के राष्ट्रगान कंठस्थ हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये हकीकत है। ये पुणे के द कल्याणी स्कूल में 6ठी कक्षा के छात्र जयेश ठोलिया की दिलचस्प कहानी है। वो कहते हैं दुनिया में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। उन्होंने 7 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और उन्हें एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मुझे दूसरे कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स गाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने 10 टाइम्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है एंड 10 टाइम्स एशिया बुक में खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है फॉर मेमोराइजिंग एंड सिंगिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल एंथम्स। जयेश ठोलिया मुख्य रूप से पुणे, महाराष्ट्र के निवासी हैं। उनके पिता एक IT पेशेवर हैं। जयेश की मां बताती हैं कि जयेश का जन्म 11/11/11 की अनोखी तारीख को हुआ था। उसने 2017 के दौरान टीवी पर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखा था। टॉस जीतने के बाद मैच शुरू होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाया। पाकिस्तान का राष्ट्रगान फारसी में है। जयेश ने कोशिश की तो उसे फटकार लगाई गई। पहले वो केवल भारत का ही राष्ट्रगान गा सकता था। इसके बाद उन्होंने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी और अन्य देशों के भी राष्ट्रगान गाए और एक समय उन्होंने 30 देशों के राष्ट्रगान गाए और उन्हें एशिया और इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। मैं 5 साल का था और मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा था और मुझे मैच में इंडिया के नेशनल एंथम के बाद एक दूसरा नेशनल एंथम प्ले होते मैंने सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूसरे कंट्रीज़ का भी नेशनल एंथम है, तो मैं और चीज़ें जानने लगा और नेशनल एंथम्स के बारे में रिसर्च करने लगा और फिर करते करते मेरे अराउंड 30 कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स मेमोराइज हो चुके थे। मुझे उस टाइम तक सारी कंट्रीज़ के नेशनल एंथम्स आ रहे थे और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो बनाना स्टार्ट किया और करते करते मेरे 195 नेशनल एंथम्स हो गए। बाद में जयेश ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 51 देशों, फिर 75 और फिर 100, 120, 150 देशों के राष्ट्रगान गाए। कुल मिलाकर जयेश ने 195 देशों के राष्ट्रगान गाए हैं। जयेश का मानना है कि 195 में से 70 देशों के राष्ट्रगान अंग्रेजी में है और ये आसान है। शेष 125 देशों के अलग अलग राष्ट्रगान हैं। अब जयेश सभी देशों की भाषाएं भी सीखना चाहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के 46 राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल की शर्तें भी जानते हैं। लर्निंग एंड देन द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड कल्चर, इट्स हिज ओन इंटरेस्ट। वो कई देशों का दौरा भी कर चुके हैं और उन्हें कई देशों से निमंत्रण भी आ रहे हैं। जयेश का मानना है कि पृथ्वी पर सभी देश समान हैं। वो सद्भाव और शांति के लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में विश्वास करते हैं। पुणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को एक बदउनवानी मुखालिफ अदालत ने 50 अरब रुपये से ज़्यादा की बदउनवानी से मुंसलिक अलकादिर ट्रस्ट मामले में 19 जून तक के लिए ज़मानत दे दी है और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए 3 दिन के लिए ज़मानत बढ़ाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान इस्लामाबाद में वाक़ एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान ख़ान को 5 लाख रुपए के मुचलके पर 19 जून तक के लिए ज़मानत दे दी। इससे पहले इमरान ख़ान लाहौर से राजधानी पहुंचे और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस मुईनुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस रफत इम्तियाज ने उन्हें ज़मानत के लिए बदउनवानी मुखालिफ अदालत जाने के हुक्म के साथ 3 दिन की हिफाजती ज़मानत दी। अदालत ने इससे पहले 17 मई को उन्हें 31 मई तक की ज़मानत दे दी थी। रूस में जर्मन सिफारत खाने में अमले की तादाद महदूद किए जाने से मुतालिक मॉस्को के इकदाम के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बर्लिन ने उसे जर्मनी में 5 रूसी कौंसिल खाने में से 4 को बंद करने को कहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान क्रिस्टोफर बर्जर ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अहलकारों और इदारों की तादाद को बराबर करना है। रूसी हुकाम ने हाल ही में कहा था कि 350 तक जर्मन सरकारी अहलकार रूस में रह सकते हैं। इनमें से सकाफती तंजीमों और स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान भी शामिल हैं। बर्जर ने कहा है कि इसका मतलब ये है कि जर्मनी को नवंबर तक रूस में तीकातिरनबर्ग और नौसिरबेस्क और कैलन ग्रॉड में अपने कौंसिल खाने बंद करने होंगे। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मॉस्को में जर्मन सिफारत खाना और सेंट पीटर्सबर्ग में कौंसिल खाना खुला रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस को इस साल के खत्म के बाद बर्लिन में सिफारत खाना और कौंसिल खाना चलाने की इजाज़त होगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मॉस्को और बर्लिन के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर होते जा रहे हैं। बर्जर ने कहा है कि ये इकदाम अफसोसनाक है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग का मतलब ये है कि अब दोनों ममालिक रूस और जर्मनी के दरमियान बहुत सी दो तरफा सरगर्मियों की ज़रूरत नहीं रही। उन्होंने कहा है कि ये रूस का तर्ज अमल है जिसने हमें ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। वहीं अमेरिका और चीन के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में बुहिराए जनूबी चीन के ऊपर एक चीनी जंगी तैयारे को अमेरिकी फ़ौजी तैयारे के करीब देखा गया। वहीं अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि एक चीनी जंगी तैयारे ने बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में बुहिराए जनूबी चीन के ऊपर जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने चीनी जंगी तैयारी की जानिब से गैर ज़रूरी जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने के बाद वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान खुले राब्ते की ज़रूरत पर जोर दिया। हिंद बहरुल काहिल के लिए जिम्मेदार अमेरिकी फ़ौजी कमांड ने कहा है कि चीन के J-16 तैयारे की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते मश्क की गई, जिसकी वजह से अमेरिकी 135 RC तैयारे को हंगामा आराई का सामना करना पड़ा। व्हाइट हाउस ने बुध को यूक्रेन के लिए एक और इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इसमें $300 मिलियन तक के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, गोला बारूद और दीगर दिफाई साजो सामान शामिल हैं। पैकेज में पैट्रियाट एयर डिफेंस बैटरियाँ और स्टीयरिंग एंट्री एयरक्राफ्ट सिस्टम, टैंक, शिकन, गोला बारूद और दीगर आला शामिल हैं। अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को मजमूई तौर पर $37.6 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद फराहम की है। अमेज़ॉन के मुलाजमीन का एक ग्रुप हालिया बरतरफियों, दफ्तर से आने वाले ऑर्डर्स और कंपनी के माहौलियाती असरात से परेशान हैं। इसके तहत अमेज़ॉन के मुलाजमीन ने ई कॉमर्स कंपनी की जानिब से मौसमियाती पॉलिसी में तब्दीली, छुट्टियों और दफ्तर वापसी के अहकाम के खिलाफ एहतजाजन वॉकआउट किया। अमेज़ॉन के सेटल हेडक्वार्टर के मरकज़ में 100 से ज़ायद लोग जमा हुए। 1900 से ज़ायद कारकुनों ने आलमी सतह पर एहतजाज करने का अहद किया था। अमेरिका में सरकारी अखराजात और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की हद को बढ़ाने का बिल आज ऐवान से मंजूर हो गया। इस बिल को ऐवान ने 314 वोटों से मंजूरी दी है। ऐवान में सदर जो बाइडन और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी के दरमियान कर्ज की हद के मुआहदे पर वोटिंग हुई। ऐवान नुमाइंदगान में कायदीन को वोटिंग से कबल बिल पर बहस के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया था। ऐवान के फ्लोर पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स ने अपने ख्यालात पेश किए। अमेरिकी सदर जो बाइडन और ऐवान नुमाइंदेगान के स्पीकर केविन मैकार्थी ने यकुम जनवरी 2025 तक डेट सेलिंग सरहद को हटाने का फैसला किया। इस बिल के मंजूर होने के बाद अमेरिकी हुकूमत मुकर्रर हद से ज्यादा कर्ज ले सकती है। कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मबनी श्रीलंका की इफराते ज़र की शरह मई में 25.2% तक कम हुई है, जिससे वहां की बहराने ज़दा मीशत को कुछ राहत मिली है। श्रीलंका को गुज़िश्ता साल सितंबर में 73% महंगाई का सामना करना पड़ा था। महंगाई के मुसलसल दबाव ने श्रीलंका को एक साल से ज़्यादा अरसे से मुतासर किया हुआ है। माहिरीन का ख्याल है कि श्रीलंका जल्द ही सिंगल डिजिट इफराते ज़र हासिल करने की जानिब मुस्बत राह पर गामजन है। श्रीलंका को मार्च में IMF से 2.9 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज मिला था। और अब नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है दुनिया की सबसे बड़ी खुराक ज़ख़ीरा करने की स्कीम को मंजूरी दी गई है। कल कैबिनेट की जानिब से कई अहम फैसले किए गए, उसी की ख़बर को यहाँ पर सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की इलाक़ाई दफ्तर के क़याम की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा जो सुर्खियाँ इसमें शाया हुई हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर नेपाल और भारत नेपाल के दरमियान एक चेक पोस्ट का इफ्तिताह आज होने जा रहा है, ये खबर इसमें शाया हुई है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबरों पर नज़र डालते हैं। आलमी सफ़े की जो खबर है पाकिस्तान के हवाले से है, जहां मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के पेश नज़र 106 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। रोज़नामा इनकलाब से जो हमने ख़बरें ली हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मुसलसल तीसरी बार कारगुजार यूपी डीजीपी को दोबारा से यही जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय कुमार यूपी पुलिस के नए कारगुजार DGP बने हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे की सुर्खी जो है वो मौसम के हवाले से है, जहां मई में सर्दी का एहसास इस वक्त हो रहा है। आंधी और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इस वक्त मई का महीना चल रहा है और मई के मौसम में भी बारिश और तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। फ्रेंच ओपन टेनिस मैन सिंगल्स में रिकॉर्ड 23वीं खिताब के लिए मुकाबला करने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच हंगरी के मार्टन फुचोविच को 7-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त देकर अगले राउंड में पहुंच गए हैं। और इससे कबल आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अलग्रास ने जापान के तारो डैनियल को 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 से शिकस्त दी। यूनान के नोवाक जोकोविच, कार्लोस अलग्रास और स्टीफनास सिपास फ्रेंच ओपन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। यूकी भामरी और साकेत माईनीती की भारतीय मर्दों की डबल्स जोड़ी ने पहले राउंड में आर्थर रैंडोनिक और एंजो सोसाऊ की फ्रांसीसी जोड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त दे दी है। और यूकी और साकेत ने अपने इब्तदाई मैच में आर्थर और एंजरो को 64 मिनट में 6-3, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिविला ने रिकॉर्ड 7वीं मरतबा यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है। बुध की देर रात खेले गए इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले में सिविला ने पेनल्टी शूट आउट में रोमा को 4-1 के फर्क से शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा कर लिया। और इस मैच में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। मैच के ख़त्म तक स्कोर 1-1 रहने के बाद फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसे सिविला ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। ये 7वीं बार है कि जब सिविला ने यूरोपा लीग का टाइटल पर कब्जा किया है। इस जीत के साथ ही सिविला ने ला लीगा में टॉप 4 से बाहर होने के बावजूद अगले सीज़न की चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के मर्दों की जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप के हॉकी 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जूनियर टीम ने सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच बना ली है। और आपको बता दें कि भारत की तरफ से सुनीत लाखड़ा, अरिजीत सिंह हुंदल, बॉबी सिंह धामी, अंगत बीर सिंह, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह, शारदानंद तिवारी ने गोल दागे। और अब खिताबी मुकाबले में जो भारतीय टीम का सामना जो है उनके मुकाबला पाकिस्तान की टीम से होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।